हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एंड मेरे साथ में है मिस्टर आदिल नवीद मोहम्मद फ्रॉम हैदराबाद। एंड अभी हम हैं सऊदी अरेबिया दमाम सिटी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर, हैविंग मी हियर एंड ये चांस देने के लिए सऊदी अरेबिया घुमाने के लिए। वेलकम वेलकम आदिल सर, थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना है, लाइक इंडिया से सऊदी अरेबिया कैसे, लोग जानना चाहते हैं, लाइक यू आर आवर इंटरनेशनल कस्टमर, यू आर आवर इंटरनेशनल क्लाइंट, सो थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर कीजिए सर। जर्नी, हम तो आए थे सऊदी अरब पहले 2016 में। ओके, एज ए ऑटोकैड डिजाइनर। ओके, जब शुरुआत हुई थी, जब इंडस्ट्री में कदम रखे थे जी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए, ग्रोथ होते गया। okay. अल्हम्दुलिल्लाह नाउ अभी बिजनेस कर रहे हैं खुद का जी, ऐसे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हमारे पास है फैब्रिकेशन जॉब ज़्यादा है जी, और CNC भी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही है जी। yes. दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आदिल सर जो है बिजनेस रन करते हैं दमाम सऊदी अरेबिया के अंदर मेटल फैब्रिकेशन का। ओके सर, मेटल फैब्रिकेशन के अंदर किस किस तरह के काम आप यहाँ पे करते हैं? लाइट मेटल फैब्रिकेशन ज़्यादा चलता है हमारा। ठीक है, लाइक हो गया डोर विंडोज जी एंड लैडर्स जी, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, कस्टमर ओरिएंटेड जॉब्स हैं जिस तरह का, मतलब मेनली मेटल फैब्रिकेशन, कोई जिस तरह का भी जॉब आएगा आप उसको करके देते हैं। डीजल टैंक हो गया, ये सब चीज़ें, सब से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। ओके, एक्चुअल में सऊदी अरब में क्या है, मेन हब दम्माम है, ये इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम है इधर। ओके, कंपेयर लाइक मार्केट कैसा है सऊदी अरब का, मतलब फ्यूचर कैसा है, कि पहले के मुकाबले अभी क्या डिफरेंस है एंड आगे 5 साल में और क्या डिफरेंस देखने को हमें मिलने वाला है? एवरी ईयर सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिजनेस ग्रो होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है। ओके, मेटल फैब्रिकेशन का और इंडस्ट्रीज एरिया जो है बहुत डेवलप हो रहे हैं जी। अरे एंड अभी इस जगह को हम क्या बोलते हैं, जो ये प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे अपनी फैक्ट्री है, ये जो है दम्माम खुदरिया एरिया, यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया जब दम्माम शुरू हुआ था वो टाइम पे ये एरिया बना था इंडस्ट्रियल के लिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो होते होते फर्स्ट इंडस्ट्री हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अभी फोर्थ तक चले गए, और इंडस्ट्रियल एरिया दम्माम के अंदर आ चुके हैं। एंड द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल, सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है ये जी। ओके, एंड आप सर पिछले 10 साल से यहीं पे हैं? 10 साल से मैं इधर ही, दम्माम के अंदर ही। ओके ग्रेट, ठीक है सर। एंड आई थिंक इस मशीन को लगभग 9 मंथ्स हो गए दोस्तों। ये जो मशीन है ये 6000 वॉट की, एंड यू कैन सी हियर द नेम अल्ट्रा लेजर लैब। वी प्रोवाइड दिस मशीन 9 मंथ्स बिफोर, 6 किलोवाट की मशीन है ये। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लाइक इससे पहले आप कटिंग कैसे करते थे एंड आउटसोर्स करते थे, इसके आने से कितना डिफरेंस आया है काम के अंदर? बहुत सारा आया, क्योंकि हम आउटसोर्स से करते थे, यानी कि हमें ऑन टाइम जॉब नहीं मिलता था, कुछ चाहिए फैब्रिकेशन के लिए चीज़ें ज़रूरी होती थी, ऑन टाइम चाहिए होता है, कोई कस्टमर आता है अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ओल्ड कंपनीज वो चल रहे हैं उनको कोई शट डाउन प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए उन्होंने ऑन द स्पॉट चाहिए होता है काम। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मशीन आई है हम एवरी टाइम कभी भी करके देते हैं, कभी चाहिए नाइट तो नाइट शिफ्ट भी कम्प्लीट करके देते हैं, वो लोग को सामान चाहिए तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सही है। ठीक है, एंड फ्यूचर में और क्या प्लान्स कर रहे हैं सर, लाइक मतलब थोड़ा सा अपना एक्सपेंशन के बारे में भी बताइए। देखेंगे अभी मशीन पे फ्यूचर में दूसरा और कुछ शेयरिंग कटिंग पेंटिंग वगैरह भी सोचेंगे। ओके, और करेंगे, एक्सपेंड तो करना ही है बिजनेस को इंशाल्लाह जी। आई होप आप ऐसे ही बढ़े सर आगे, एंड मुझे सेकेंड टाइम भी यहाँ आने का चांस दें। जरूर जरूर जी। दोस्तों इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज सर ने मुझे चांस दिया है इंटरनेशनली काम करने का। टू बी वेरी फ्रैंक सर, अगेन थैंक यू सो मच, बिकॉज आपने मुझे चांस दिया है सऊदी अरब में मशीन लगाने का बाय माई ओन ब्रांड नेम। मैं इसके लिए, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही गोल्डन मोमेंट रहने वाला है थ्रू आउट द लाइफ, बिकॉज यहाँ से शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। एंड और कुछ कहना चाहेंगे सर दर्शकों को, बिकॉज लोगों को कहीं ना कहीं इंडिया बहुत ही कॉम्पिटेटिव मार्केट है कंपेयर टू लेजर। अच्छा, जैसे अगर हम यहाँ भी बात करें इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, अप्रोक्स कितना मशीन हो सकता है यहाँ पे लेजर का? वो काउंटलेस है काउंटलेस है काउंटलेस। अभी इन दिस एरिया, यानी 5 किलोमीटर की सर्किल में
अराउंड 40-50 मशीन मिल जाएंगे आप, मिल जाएंगे इजीली। ओके, लेकिन हर एक के पास काम है, ऐसे काम नहीं कि कोई बैठा हुआ इसका काम वो खींच रहा है, ऐसे नहीं। हाँ। काम भरा पड़ा हुआ, भरा पड़ा है। हाँ। जी। एंड लाइक अगर मैं सऊदी अरब की भी बात करूं तो ग्रोइंग कंट्री है, बिल्कुल काम है अच्छा खासा। हाँ। मोस्टली किन सेक्टर्स में काम होता है अगर अपने हम काम की बात करें? एक तो चलो ठीक है कि भाई आपका रेंडम हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, बट एक है कि भाई हम मोस्टली इस तरह का काम करते हैं, लाइक मिलिट्री का है या किस तरह से कुछ, मतलब इस टाइप का कुछ है? हाँ, वैसे काम बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ ना दम्मम स्पेशली वही चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पेट्रोल का बड़ा हब है, पेट्रोल का निकलता है, वो चीज़ हर टाइम ग्रो हो रहा है, हर चीज़ में आपको है काम। तो ऑयल इंडस्ट्री में? ऑयल इंडस्ट्री में ज़्यादा है, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। ओके, अभी ये बेस प्लेट्स वगैरह ये चीज़ें जो है पूरे ज़्यादातर कंपनी सप्लाई होती है डायरेक्ट, हमें बड़ी यहाँ की आराम को नाम की कंपनी है सऊदी अरब की। हाँ जी। तो वो ऑयल इंडस्ट्री उसी के अंडर में आती है सब। ओके, तो वो है चलता है काम इसमें। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए एंड लोगों से बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से, एंड बिकॉज दे आर टू एक्साइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम हमारी मशीन बाहर देखने वाले हैं आउट ऑफ द इंडिया। एंड दोस्तों जो अभी वीडियो बना रहे हैं, लेट मी शो यू, इनका नाम जावेद है एंड जावेद इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। जावेद आप भी इंडिया से हैं? इंडिया में किस जगह से हैं? हैदराबाद से। एंड जावेद ये मशीन को जो है ऑपरेट करते हैं, यू कैन सी दिस इज S6000 अल्ट्रा लेजर लैब, एंड ऊपर जो है लेजर सोर्स रखा हुआ है, चिलर है एंड 22 किलोवाट का एयर कंप्रेसर है। तो वन मोर थिंग, आप भूल गए अपनी छोटी मशीन के बारे में। हाँ जी। हाँ। दोस्तों हमारी यहाँ 1500 वाट की एक और लेजर कटिंग मशीन है जो कि दूसरी लोकेशन पे है सर, उससे हम किस तरह का काम करते हैं बेसिकली? हम उससे यहाँ पर सऊदी अरब में क्या है, जो बल्दिया बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी, ओके, वो ईच एंड एवरी ईयर चेंज करते हैं डिकोर के रिलेटेड। ओके, तो जो फैक्ट्रीज के साइनेजेस जो होते हैं, नेम जो होते हैं, तो सिर्फ उसकी कटिंग, यानी हम 1 मिली, लेस देन 1 मिली के लिए हम उसको यूज़ करते हैं मोस्टली, यानी डेकोर आइटम के लिए, साइनेजेस के लिए या फिर जाली कटिंग वगैरह के लिए। ओके, दो मशीनों का ऑर्डर हमें एक साथ मिला था दोस्तों, 6 किलोवाट एंड 1.5 किलोवाट, एंड वी गिव देम डायरेक्टली फ्रॉम चाइना टू हियर इन दमाम सऊदी अरेबिया। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन वंस अगेन, हम ऐसे ही मिलके हमेशा काम करेंगे। एंड ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।